साथ हमारे क्लास में बात करेंगे कंडीशंस एंड लुपिंग के बारे में कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हम लुपिंग की बात करते हैं, लुप मतलब कि मल्टीपल, तो जिसके बारे में पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि लुप क्या होता है, जो प्रोजेक्ट भी बनाया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। बट लुप में हम आपके साथ एक बातचीत करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे सिस्टम पे डेटा है, एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर देता हूँ, नाम है पांच नाम दे इसी को रिपीट कर लूंगा, डेटा हमारा है। अब ये डेटा एक चीज पे नहीं है, कल की अब यहाँ पे अलग अलग स्थिति है। मान लीजिए ये हमारा पुणे का स्थिति है, ये हमारा दिल्ली है, इस तरह डेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट सीट में है। अब मुझे इसको एक सीट और माइनस, इसके लिए हम आपके साथ यहाँ डेटा है, यहाँ पे मुझे इसको कमाना है। तो डेवलपर टैब में आते हैं, इंसर्ट करते हैं हम बोल सब्जेक्ट कॉपी सी बनाया और यहाँ पे हम लूप लगाए। यहां हम लिखेंगे कि फोर वन टू सी डॉट काउंट माइनस, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूं कोड को, नहीं तो पहले कोड लिख देता हूं एक्सप्लेन करता हूं। सी आई डॉट रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉम डेटा रेंज ए पैसा डॉट आप डॉट ऑफ स्पेस वन कॉमा जीरो डॉट स्पेस
एक कोड मान लिया है जो कुछ और कोड ऐड होंगे इस लास्ट कोड को सुनिए। अल्टीमेट ये कि आपने कोड करता है, सबसे पहले हमने लगाया कोड लूप क्यों लगा, तो हम लूप को हटा देते हैं फिलहाल, लूप के ग्रोन दीजिए या आई को, आई के जगह पे वन कर, अभी फिलहाल हम लूप को भूल जाए। तो सीट वन हमने क्यों किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि सीट पे नाम क्या है, नाम कुछ भी हो सकता है, तो पहले सीट पे जाएगा यहाँ पे सिक्वेंस नंबर दे दिया वन, तो पहले सीट पे जाएगा ए वन पे कर्सर रखेगा और करेंट भेज मतलब कि कंट्रोल ए करेगा, ये क्या क्या रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, फिर वापस डेटा सीट से आएगा, हो सकता है इस सीट में पहले से डेटा हो इसलिए वो जाएगा 65,000 से फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऑफिस हमने लगाया ताकि एक नीचे आए और फिर यहाँ पे पेज स्टेशन कोड कंसेप्ट समझ में आया कि पहले नंबर सीट को एक्टिवेट करेगा, ए वन पे जाके कंट्रोल ए करेगा, डेटा सीट पे वापस आएगा और यहाँ पे एक्सलेस 65,000 से ऊपर की तरफ जाएगा, ऑप्शन से नीचे आएगा और पेज स्टेशन। कोई डाउट इसमें मुबीन जी, कोई डाउट इसमें नहीं सर, लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए कर रहा है ना। हाँ जी, तो हमने बताया था लूप आपको कि इसको रिपीट करने की लूप की जरूरत पड़ती, तो मैं मान लीजिए कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइकन, लेकिन कोड को 6 बार तो रन करेगा लेकिन 6 बार सीट वन का डेटा एक कॉपी पेस्ट करेगा, सीट वन को 2, 3, 4, 5 करना हो जी। दो स्टेप, पहला कि आप यहाँ dim r array integer करें और यहाँ करें कि r equal to r plus 1 और यहाँ पे r, जब पहला बार रन होगा तो r होगा 0, 0 plus 1 equal to 1, यहाँ सीट को देगा 1 तो पहले सीट को देगा कॉपी करेगा, जब दूसरा बार रन होगा तो पहले से r पे 1 था तो 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 बन गया और यहाँ पे दूसरे नंबर सीट को दे, ऐसे ही कंटिन्यूअस सीट नंबर 6 पे करती है। इसमें दो और सेलिंग मैं करूंगा, पहला सीट इसमें हो सकता है 7 हो 10 हो 20 हो, मुझे नहीं आइडिया कितने सीट है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सीट डॉट काउंट, बट प्रॉब्लम है कि सीट जब काउंट करेगा तो मेरा डेटा सीट भी कंसीडर कर लेगा ना, काउंट ले लेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया माइनस वन कर, बट माइनस वन किया तो ध्यान रखिएगा सीट हमेशा लास्ट में होगा, तो एक साथ काउंट करेगा, एक माइनस कर छह, एक से लेकर छह तक। दूसरा ये प्लस वन करने का जरूरत नहीं है, जो काम ये प्लस वन आर इक्वल टू आर प्लस वन कर रहा है वही काम हमारा आई भी ऑटोमेटिक करता है, तो मैं यहाँ पे आई का ही यूज कर रहा हूं। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं तो रिजल्ट देखता हूं क्या, तो इसने देखा डेटा कॉपी कर दिया हुआ है, कर दिया डेटा कॉपी जी, बट हेडिंग जो है हेडिंग ही कॉपी कर रहा है, तो मैं बोला तो मैंने मैनुअल हेडिंग कर दी है, हेडिंग कॉपी करने की जरूरत नहीं। तो जब हम यहाँ से डेटा मान लीजिए कि डेटा को यहाँ से कंट्रोल ए करके कॉपी करके जब यहाँ पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा पहला जो सेल है हेडिंग होता है एक्टिव होता है एक ऊपर की हेडिंग वाला कॉलम ही एक्टिव होता है, तो क्यों ना हम डिलीट कर दें, यहाँ पर लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट इंक्लूड, ओके तो क्या करेगा एंटायर रो को डिलीट कर देगा, ओके। तो
अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जैसा डेटा उसी तरह से रन होगा। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? जी लेकिन इसमें फाउंडेशन क्या है? इसका फाउंडेशन है कि पीक जो है डेटा शीट सबसे लास्ट में होना चाहिए। अगर डेटा शीट को बीच में कर दिया तो क्या होगा? तो मुझे डेटा जो डेटा को पीक की डेटा को लेकर किसी में पेश मांगा। सर आपकी आवाज का बीच में कट जा रही है। हेलो नहीं वाइस वाइस नहीं हो रही। हेलो अभी बोलिए। आवाज सही है मेरी? हाँ अभी सही है। तो इसमें कोई डाउट तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमने काउंट माइनस वन कर दिया तो इससे हो गया कि आपका डेटा सीट हमेशा लास्ट में होना चाहिए। अगर इसको बीच में रख दिया आपने तो क्या होगा? कि डेटा सीट के डेटा कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो, क्योंकि डेटा को हटाने का डेटा को स्किप करने का ऐसा कोई मेथड इसमें एंट्री नहीं है। ठीक है, इसने लास्ट वाले सीट को हटा दिया मतलब कि डिवीजन का कॉपी नहीं करेगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं डेटा सीट को कॉपी ना कर। तो यहां पे आती है कंडीशन, मतलब यहां पे आप कंडीशन लगा रहे हैं कि ऐसा हो तो ऐसा ना हो, मतलब कि डेटा सीट का नाम डेटा हो तो कॉपी ना करे। जी जी। तो यहां आपको कंडीशन देना पड़ेगा। क्या देना होगा कि इफ एक्टिव सीट डॉट मेन नॉट इक्वल टू डेटा देन, और यहां पे हम एंड लिख करेंगे। तो कंडीशन मैंने कैसे लगाया? हमने सिंपल से बोला, क्योंकि यहां पे हम सीट को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये लाइन क्या कर रहा है? सीट को एक्टिवेट कर रहा है। जब सीट एक्टिवेट हो रहा है तो हम यहां बोल रहे हैं कि एक्टिव सीट डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा दैट, तुरंत करो कॉपी पेस्ट करें। अगर इक्वल टू डेटा है तो कुछ ना करें। क्या सर? जी सर। अब डेटा सीट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक प्रॉब्लम है, अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। सर मैं पूछ रहा हूँ, इफ एक्टिव सीट डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा देन रन रेंज वन जो भी है कॉपी करो पेस्ट करो, और आपने एंड इफ लिख दिया, ठीक है, लेकिन अगर इक्वल टू रहेगा तो क्या करा जाएगा? इसके लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो भी काम हमारा है वो इसके अंदर में है ना। हाँ, इसके बाद तो कुछ नहीं है ना सर। हाँ, तो उसके आगे कोई दूसरी कंडीशन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एंड इफ लिख दिए काम खत्म हो गया। हाँ, अगर आपने इसके बाहर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो रन होगा। जी जी। मैंने आपने पूरे कोड को, पूरे काम जो काम की कोड है उसको हमने इसके अंदर में डाल दिया। जी जी। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि VVA जो है केस सेंसिटिव होता है। अगर आपके आपने अपने सीट का नाम स्मॉल में डेटा कर दिया तो ये आपको कंसीडर नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये कैप्स में दे दिया तो उस केस में क्या करते हैं कि हम यहाँ यू केस का फॉर्मूला लगाएंगे, यू केस का फॉर्मूला और यहां भी हम डाल देते हैं। तो यू केस क्या करेगा कि एक्टिव शीट का नेम चाहे स्मॉल में हो या टाइटल में हो या अपर में हो, वो अपर में कन्वर्ट कर देगा। यहां मैंने अपर तो लिख ही रखा है, फुल्ली डायनेमिक हो गया, इससे केस सेंसिटिव नहीं रहेगा। एक्चुअली एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूं। हो गया जी। अब यहां पे अगला जो टॉपिक ऐड करना चाहता हूं कि किस सीट से डेटा कॉपी हुआ है, कौन सा सिटी का डेटा है, ये यहां सेग्रीगेशन नहीं किया गया। तो मैं चाहता हूं कि एक कॉलन यहां ऐड हो, एक कॉलन हमारा यहां पे ऐड हो सिटी का, इस सिटी में हमारा सीट का नेम दे दे। ओके जी।
इसमें हमारा सीट का नेम भेज है जिस सीट का डेटा कॉपी कर रहा है जी। तो उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल क्योंकि सीट नेम के लिए चाहिए, तो सीट नेम के जो वेरिएबल है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है, डिम एस एज ए स्ट्रिंग कर देता हूं। ओके, और यहां पे हम एस इक्वल टू एक्टिव सीट डॉट नेम लिखते हैं। ठीक है, जो भी सीट का नाम होगा वो एस सीट होगा। अब जैसे कि मैंने, अब मैनुअल एक बार करके दिखाता हूं कि जैसे मैंने इस डेटा को कॉपी किया, डेटा सीट में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया और हमने पहले वाले जो हेडिंग वाले रो को डिलीट कर दिया, राइट। अब मुझे जो है यहां पे आना है, इस पूरे को जो ब्लैंक है उसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो कैसे करें, तो हमें पता है एम कॉलम, तो मैं यहां पे दूंगा कि रेंज एम 65,000 डॉट एंड एक्सलेंस अप डॉट ऑफसेट 1 यहां पे 0.1 डॉट स्लैश। अब ये कोड क्या करेगा कि कर्सर को एम 65,000 पे ले जाएगा, एम 65,000 पे, और यहां से कंट्रोल के साथ अप यूज करेगा। और ऑफसेट जो हमने दिया हुआ है, तो ऑफसेट में क्या है, हमने दिया हुआ है 0 कॉल रो एंड 1 कॉलम, माने उसी रो में अगला कॉलम, तो वो यहां आ जाएगा। तो कर्सर कहां आ गया, यहां आ गया। अब मुझे यहां से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना है, तो यहां पे हम देंगे रेंज। रेंज में हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है मेरा एक्टिव स्टेट, जहां पे कर्सर मेरा है। कर्सर यहां पे कौन लाया है, इसे ऊपर वाली कोड लाया है जी। यहां देंगे एक्टिव सेल और मुझे जाना है एक्टिव सेल से ऊपर के एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1.0। अब ऑफसेट क्यों लगाया, क्योंकि यहां से ऊपर सिलेक्ट करके जाएगा, ये स्थिति को ले रही है, एक हेडिंग को भी ले रहा है, तो मैंने बोला इससे तुम एक नीचे आ जाओ, जो ब्लैंक एरिया है उतना ही सिलेक्ट होगा जी जी। और हमने बोला कि इसकी जो डॉट वैल्यू है वो इक्वल टू एसी है। हमने आपको बताया था कि मल्टीपल सेल में एक वैल्यू डाली जा सकती है, मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल सेल में नहीं डाली जा सकती, बस एक सेल की वैल्यू मल्टीपल सेल में डाली जा सकती है जी जी। तो हमने एस कर दिया, तो जितने भी सिलेक्टेड होगा उसमें उसकी वैल्यू एस, मतलब की जो सीट नेम हमने यहाँ स्टोर किया है वो यहाँ डाल देगा जी। ओके, अब चलिए इसमें हम इसको रन करके देखते हैं। हो गया सर? हाँ जी। सर एक चीज पूछने का मुझे। हाँ पूछे। आपका वीबी ओपन कीजिए। आपने जो कोड लिखे हो M65000 65,000 and XLF dot offset 01 dot select। अच्छा ये offset 0.1 bracket close होके -1 नहीं कर सकता? नहीं नहीं, -1 कैसे कर सकता है? नहीं मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, जैसे कि मेरा M65 पे गया, फिर end पे से ऊपर आया, फिर offset किया, फिर 01 दिया, यानी कि बाजू वाले सेल पे जाएगा, ठीक है, तो इसको आपने बोले सेलेक्ट कर ले, तो सेलेक्ट करके वो सिटी तक का सेलेक्ट कर लिया, तो अगर से डॉट सेलेक्ट के पहले मैं -1 कर दूं तो क्या वो सिटी के सीधे नीचे नहीं आ सकता? नहीं सर, आप -1 करेंगे कैसे -1 कर सकते हैं? ये जो माइनस या प्लस होता है वो किस पे होता है? डेटा पे होता है ना सर? जी जी, रेंज के पे नहीं होता है ना जी। आप ऑब्जेक्ट को समझिए ना सर जी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा डेटा पे होता है या डेटा टाइप पे होता है, जैसे कि आपका इंटीजर था।
आप किसी रेंज को माइनस वन नहीं कर सकते, हाँ रेंज की वैल्यू डॉट माइनस वन हो सकती है, रेंज माइनस वन नहीं हो सकती है। अच्छा रेंज नहीं हो सकती, इससे एक्शन होगा, एक्शन हो मतलब कि आप ही समझिए ना कि आप इससे जो आपका मान लीजिए 16 है तो इसको आप मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो इसकी वैल्यू से कैलकुलेशन होगी ना, इससे तो कैलकुलेशन नहीं होगी ना सर। नहीं मैं वही समझ रहा था कि मतलब अगर माइनस वन कर दूं तो मेरे को गलत गलत माइनस वन, अगर आपने यहाँ पे माइनस वन कर दिया यहाँ पे तो क्या होगा कि इधर आ जाएगा, अच्छा एक पीछे आ जाएगा, समझ गया? जी जी समझ गया, कोई डाउट है इसमें? जी जी। अब इसमें अगला, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब अगला प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास जो डेटा था वो सिटी में था तो हमने कर लिया, सीट में था सॉरी, लेकिन अगर डेटा मेरा किसी पर्टिकुलर फाइल में है तब क्या करेंगे? तो वो फाइल जाके ओपन करनी पड़ेगी क्या? वो कोड लिखना पड़ेगा ना सर, फाइल ओपन करने वाला ओपन एक्सेल डॉट। हाँ तो देखिए उससे पहले मान लीजिए एक फोल्डर में है, मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कॉपी के नाम, कॉपी पी के नाम से फाइल बनाता हूँ, ठीक है ठीक। अब मान लीजिए कि डेटा में आता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब मेरे पास एक फोल्डर है, इसको छोड़ दीजिए, मेरे पास एक फोल्डर है जी, ये है हमारा ड्राइव में एक फोल्डर, और मुझे इस ऑटो फाइल का डेटा एक सीट पे एक के नीचे एक के नीचे की कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे फाइल 8 हो सकती है या 18 हो सकती है या 800 हो सकती है, राइट जी। तो चलिए इसके लिए हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस चीज को जानना होगा कि मुझे ऐसा एक तरीका निकालना होगा जो मुझे लिस्ट दे, मुझे फाइल का लिस्ट दे कि मेरे फोल्डर में कितने फाइल हैं जी इस पर्टिकुलर फाइल। तो सब उसके उसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा dim r as a init sh। आपको याद होगा मोमिन जी एंड अतीश जी, हमने लास्ट लास्ट क्लास से जब एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मैं dir फंक्शन का जिक्र किया था, याद है मोमिन जी? याद है या भूल गए? वाला dir, ये mkdir ऐसे कुछ MKDIR तो फुल केस में, DIR की बात कर रहा हूँ। अच्छा डायरेक्टरी जो PDF वाला आपको जो बताया था एग्जांपल मैंने। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे star dot xls ले लेता हूँ जी। अब यहाँ पे देख लो xls है या xls m है? सर मैं फोल्डर की प्रॉपर्टी खोल दी। हाँ मैं फोल्डर की प्रॉपर्टी ले लूँ। एक्सलेस एक्स है राइट, तो मैंने यहां पे एक्सलेस एक्स कर दिया। और कॉमा हमने वीजी नॉर्मल कर दिया। तो क्या करेगा कि इस लोकेशन में जो भी इस एक्सटेंशन के फाइल है उस सारे फाइल को एक लिस्ट दे देगा, का लिस्ट निकाल देगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए मैं एम एस जी मैंने मैं यहाँ देता हूँ कि रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ। तो क्या होगा अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ एक बार में सिर्फ एक नाम देगा, दूसरा नाम नहीं देगा। दूसरा नाम देने के लिए मुझे fn को वापस रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि fn क्या है, एक स्ट्रिंग है, वो एक बार में एक ही वैल्यू को कैरी कर सकता है। तो उसके लिए dir कहता है कि आप मुझे दोबारा अगर रीलोड करते हो dir ब्रैकेट ओपन क्लोज पीछे कोई पास नहीं देते हो तो मैं fn के ऊपर में दूसरा नाम डाल दूंगा, तो इस तरह से तीसरा नाम डाल देगा, चौथा नाम डाल देगा।
तो जितना बार नाम चाहिए उतना बार इस तरह से देखे आ जाए, आ गया सर जी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं आइडिया कि इस फोल्डर में कितने फाइल है जी। बात समझे? हाँ जी। तो इसको हमें लूप के अंदर डालना है। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लूप दो तरह के होते हैं। पहला होता है फोर लूप। फोर लूप के लिए दो पार्ट है कि आई वन इक्वल टू इस तरह से आप देते हैं नाम डेटा जो भी देते हैं। दूसरा होता है फोर इच एक सिलेक्टेड रेंज में। दूसरा होता है डू लूप। डू में हमारा होता है वाइल और होता है अंतिम। तो फोर इच फोर जो है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर काउंट पे चलता है कि एक से लेके दस तक चले, दस से लेके बीस तक चले, या जितने शेयर से उतने बार चले, जितने फाइल से उतने बार चले, जितने डेटा उतना बार चले। बट डू जो है वाइल जो अंतिल है वो कंडीशन पे चलते हैं कि जब तक ये कंडीशन हो तब तक मेरा लूप चलता रहे। कंडीशन खत्म तभी लूप खत्म। जैसे कि आपका ये इस तरह का लूप यूज किया जाता है आपके लॉगिन आईडी में कि जब तक लॉगिन आईडी करेक्ट ना हो तब तक सेकेंड पेज दे ही ना। समझे? तो यहां पे हम डू वाइल लूप का यूज करेंगे। डू वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक और यहां पे हम लूप करेंगे। तो ये क्या करेगा कि सारे फाइलों का लिस्ट दे देगा। दे दिया जी। पर मुझे लिस्ट नहीं लेना है, तुम्हें बताया कि मैं इस तरह से फाइल आ जाएगा। तो लिस्ट ना लेके हम डायरेक्टली इसको ओपन करवा देते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। हाँ, मैं करता हूं कि वर्क बुक डॉट ओपन और इन्वर्टेड कॉमा मैंने दे दिया पाथ और इसके साथ हमने एफ एन फाइल नेम ऐड कर दिया। फिर इसके शीट वन पे गया मैं। मुझे पता है पहले शीट पे फिर हमने रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन किया और डॉट कॉपी कर लिया। तो अभी जो हम किस फाइल पे हैं, हम अभी एस एन फाइल के ऊपर है सर। लेकिन कॉपी करने के लिए वापस हमें डेटा फाइल पे आना पड़ेगा ना सर। हाँ जी। पर मुझे डेटा फाइल का आइडिया नहीं नाम क्या है। तो मैंने यहां पे एक और यहां पे एक्सिस फाइल या डीएक्स कर देता हूं डेटा फाइल एज ए स्ट्रिंग हमने कर दिया और यहां डी एफ इक्वल टू हमने बोला एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम। ठीक है जी। अब यहां पे हम आते हैं वर्क बुक और यहां पे देते हैं डी एफ डॉट एक्टिवेट। ठीक है डी एफ डॉट एक्टिवेट। फिर उसके बाद हम जाते हैं सेफ डेटा डॉट सेलेक्ट फिर रेंज ए वन डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफ सेट 1,0 डॉट सेफ और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे। तो ये अभी तो हमने कॉपी किया हुआ है तो कट कॉपी मोड चल रहा होगा जी। तो उसको क्लोज क्योंकि जब फाइल हम क्लोज करेंगे तो कट कॉपी मोड को डिसेबल करने के लिए एक पॉपअप देता है। तो पॉपअप देगा तो मेरा माइक्रो ब्रेक हो जाएगा। जब तो मैं ओके पे क्लिक मैं तो मुझे 12 बार ओके पे क्लिक करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल और फिर यहां पे करते हैं वर्क बुक कौन सा एफ एन डॉट क्लोज और हमने यहां पे दे देते हैं सेव चेंज में फॉल क्योंकि हमें
डेटा को चेंजिंग किया नहीं तो फॉल्स कर देते हैं। फिर अगेन DIR क्या करेगा, अगले दूसरे फाइल लोड करेगा, फिर दूसरे फाइल को ओपन करेगा, फिर उसकी डेटा बच जाएगा, कॉपी करेगा, फिर वापस DF से आएगा, फिर पेस्ट करेगा। सर ये DF इज इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, ये एक बार समझाइए। ये हमने जो हमारा डेटा फाइल है ना, जिससे हम डेटा रन करने जा रहे हैं, इसकी नेम को लेकर रख लेगा, तभी तो वापस आएंगे ना सर। देखिए ये फाइल मेरे पास खुली है। हाँ एक खुली इसी फाइल है, ये आपका ये जो फाइल है इसी फाइल की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये एक्टिव वर्कबुक है मेरे पास में। जी हाँ। तो बाकी जो सेल्स है, बाकी जो वर्कबुक है, वो सब के सब बंद है, तो एक एक उनको ओपन करेगा। एक मिनट समझिए, ये हमारा जब हमने माइक्रो रन किया तो उसमें मेरा ये फाइल एक्टिव है ना। इस फाइल का नाम उसने DF पे डाल दिया। फिर उसने SN चलाया, DIR फंक्शन चलाया, सारे फाइल का नाम डाल दिया। फिर यहाँ पे लूप चलेगा, वो एक एक करके फाइल को ओपन करेगा, जो फाइल ओपन होगा वही तो एक्टिव होगा। हाँ जी। ठीक है जी जी। हमने जो फाइल ओपन किया वही एक्टिव होगा, वन एक्टिव किया वो नहीं होगा, टू से टू हुआ। हाँ। तो जो एक्टिव फाइल है उसका सीट नंबर वन पे गया, कंट्रोल ए करके डेटा कॉपी किया और वापस पेस्ट करने के लिए हमें इस फाइल में आई है ना, क्योंकि अभी जो एक्टिव फाइल कौन सा है, जो ओपन हुआ है ना सर। हाँ, तो मैक्रो वर्कबुक पे आके एक्टिवेट किया उसको, DF को। हाँ, उसको DF को एक्टिवेट किया जिसपे हमें डेटा पेस्ट करना है। जी, फिर उसके डेटा वाले सीट पे गया, फिर उसको जाकर लास्ट में जाके पेस्ट कर दिया और फिर जो एस्केप मार के कट कोई मोड को हटा दिया और फिर जो फाइल हमने ओपन किया था उसको क्लोज किया ताकि हम दूसरी फाइल ओपन कर सकें। अगर हमें क्लोज का ऑप्शन ना देंगे तो 12 फाइल 15 फाइल 20 फाइल ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा, उससे सिस्टम हैंग हो सकता है आपका। अब मैं एक बार इसको वर्क करता हूँ, रन करता हूँ। आज फाइलों का डेटा कॉपी पेस्ट किया लेकिन एक ही कर दिया क्या डेटा? सबको एक ही पे कर दिया। ओ सॉरी, हमने A1 भी किया था ना, गलती। यहाँ देखिए, नया 50,000 लेना चाहिए था। हाँ। नवोदय पे ठीक है। जी जी। ये हमारा आज का क्लास। कल की क्लास में हम आपको समझाएंगे कि जैसे अभी तो क्या था कि इसको हमने सिक्वेंसली लिया था ना सर। क्या देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी फाइल में अनसिक्वेंस हो, कि मार्च बाद में हो, जुलाई पहले हो, तब डेटा कैसे कॉपी करेगा। ये हमारा कल की क्लास का टॉपिक रहेगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी ये आप उस फाइल पे जाइए ना जो अभी आपने बनाई है, जैसे यहाँ पे पुणे